डियर चिल्ड्रन, मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, ये एक्सरसाइज 13 है, क्लास 5 का मैथ है और यहां पे एक अलग तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अक्सर ये क्वेश्चन नहीं देता है या बीच बीच में कभी कभी देता है, और ये क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादातर एग्जाम्स में आने की संभावना नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर भी पीछे में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर्स दिया हुआ है, यहाँ पर ये एड करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसका एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पढ़ के देख सकते हैं, फ्रेम वर्ड प्रॉब्लम और राइट या स्टोरी और ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेंटेंस। ये जो नंबर दिया हुआ है इसको जोड़ना है, इसके लिए एक क्वेश्चन बनाना है जो उस क्वेश्चन में ये सब नंबर यूज होगा। और इस तरह से यहाँ पे ऐड के लिए 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें जोड़ना है, और 4 क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर से 8 तक ऐसा दिया हुआ है जिसमें माइनस करना है, घटाना है। तो इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन क्रिएट करना है तो बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ है, और अक्सर आप समझ लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम दिया हुआ रहता है और एग्ज़ाम में आने की संभावना भी काफ़ी कम रहता है, लेकिन फिर भी जब दिया हुआ है तो हम लोगों को इसको जानना चाहिए ये किस तरह से बनता है। तो ऑलरेडी मैंने इसे बना के रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे है, ये एक्सरसाइज 13 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सम जोड़ करने के लिए कहा गया है, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है पहले ऐड करने के लिए कहा गया है, और 5 7 8 बाकी 4 क्वेश्चन जो है उसमें माइनस करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ देख रहे हैं ये सारे जो 8 क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन, उसको क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, यही इसका सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।